अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइकी। दोस्तों, गर्मी का मौसम किसी को पसंद हो या ना हो, मगर गर्मियों में वाटर पार्क में जाना और स्विमिंग पूल्स में नहाना तो हर किसी को पसंद होता है। और इसी मजे को दोबाला करने के लिए लोग ऊंची से ऊंची और लंबी से लंबी स्लाइड्स का एक्सपीरियंस भी करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हम वाटर पार्क में नहीं जा सकते, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड्स के बारे में जानेंगे, जिससे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप किसी वाटर पार्क में आ गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, किलिमंजारो वाटर स्लाइड। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग सोजो वाटर पार्क लाहौर में तो गए ही होंगे और वहां आपने स्लाइड्स भी ली होंगी, जो कि तकरीबन 130 फीट ऊंची हैं। इन स्लाइड्स की ऊंचाई और लंबाई इस लिहाज से बनाई गई है कि कोई भी कमजोर दिल वाला इंसान भी ये स्लाइड्स इजीली ले सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आप ब्राजील के एक वाटर पार्क में मौजूद किलिमंजारो नाम के इस स्लाइड को देखें, जो कि 164 फीट की खतरनाक ऊंचाई के साथ बिल्कुल सीधी जमीन की तरफ नीचे आती है, जिसे देखकर ही बहादुर लोगों की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। इस स्लाइड को लेने से आपको 164 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने का एहसास होता है और इस दौरान आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए आप सांस लेना ही भूल जाएंगे। दोस्तों, ये स्लाइड 2002 में बनाई गई थी और इसे आज तक की दुनिया की सबसे ऊंची और बिल्कुल सीधी स्लाइड होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। नंबर 2, सुमित प्लमिट वाटर स्लाइड। दुनिया की सबसे ऊंची और बिल्कुल सीधी वाटर स्लाइड तो हमने देख ली है, लेकिन अब आप दुनिया की सबसे लंबी वाटर स्लाइड को भी देखें, जो कि देखने में ही इतनी कूल और अमेजिंग लगती है कि हर इंसान के दिल में इस स्लाइड को लेने की विश पैदा हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, ये स्लाइड फ्लोरिडा में मौजूद एक वाटर पार्क ब्लेजर्ड बीच में बनी हुई है। दुनिया भर से लोग इस स्लाइड को लेने के लिए फ्लोरिडा जाते हैं। इस स्लाइड पर आप अपने दोस्तों के साथ रेस भी लगा सकते हैं, जिससे ये स्लाइड लेने का मजा दुगने से भी चुगना हो जाता है। दोस्तों, इस पार्क की अपीयरेंस कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि देखने से यूं लगता है जैसे ये पार्क किसी बर्फीले पहाड़ पर बनाई गई है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। नंबर 3, जंगल एक्लिप्स वाटर स्लाइड। दोस्तों, ये स्लाइड पोलैंड में मौजूद सिंटेगो वाटर पार्क में बनाई गई है। इसमें आपको एक बड़ी सी टनल में फेंक दिया जाता है, जिसके बाद आपको टनल के अंदर अकेले होने का डर महसूस होता है। इस स्लाइड के कुछ पोर्शंस डिफरेंट कलर के साथ बनाए गए हैं, जो कि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका एक पोर्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये पोर्शन पार्क के मैनेजमेंट ऑफिस में से गुजरता है। दोस्तों, एडवेंचर से भरपूर एक लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली आप इस टनल से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद आपको बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग लगने लग जाती है और फिर कुछ देर बाद आप बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। ये स्लाइड 20 फरवरी 2020 को पब्लिक के लिए ओपन की गई थी, जो कि 1050 फीट लंबी है, इसीलिए इसे यूरोप की सबसे लंबी तरीन स्लाइड होने का एजाज भी हासिल है। दोस्तों, ये स्लाइड सच में बहुत बड़ी है। नंबर 4, ब्रिजरबैड वाटर स्लाइड। ये स्लाइड स्विट्जरलैंड में मौजूद ब्रिजरबैड वाटर पार्क में बनी हुई है, जो कि 182 मीटर यानी 600 फीट लंबी है। दोस्तों, इस स्लाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्लाइड एक पहाड़ी से नीचे की तरफ बनाई गई है, जिससे होता यह है कि आप स्लाइड लेने के साथ साथ पहाड़ों का एक शानदार व्यू भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस स्लाइड के हर मोड़ पर एक ऊंची सपोर्ट बनाई गई है, ताकि स्लाइड में से कोई बाहर ना गिरे, क्योंकि एक मर्तबा एक आदमी ऐसी ही एक स्लाइड में से बाहर गिर गया था, इसीलिए इस स्लाइड को बनाने में हर किस्म की सेफ्टी का ख्याल रखा गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नंबर 5, एनाकोंडा वाटर स्लाइड।
दोस्तों ये स्लाइड बेल्जियम में मौजूद है, जिसे मैजिक आई वाटर स्लाइड भी कहा जाता है। ये स्लाइड लेने से आपको यूं लगता है जैसे आप किसी बड़े से एनाकोंडा सांप के अंदर हैं। ये स्लाइड अंदर से इतनी रंग बिरंगी है कि जब इंसान इस स्लाइड में से बाहर निकलता है तो कुछ देर तक इंसान का सर चकराता ही रहता है। इसके अलावा इस स्लाइड की लंबाई तकरीबन 1300 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्लाइड्स में से एक बनाती है। और इस स्लाइड को लेने वाले इंसान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। ये स्लाइड सच में इंसान को एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाती है। नंबर 6, इंसेनो वाटर स्लाइड। ये स्लाइड 135 फीट ऊंची होने के साथ साथ बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में बनाई गई है, जिससे लोग इस स्लाइड को लेने से 135 फीट की खतरनाक ऊंचाई से गिरने का एक्सपीरियंस करते हैं। ये स्लाइड लेना हर इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि इसे देखकर ही अच्छे अच्छे लोगों की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। दोस्तों ये स्लाइड ब्राजील में मौजूद बीच पार्क में बनी हुई है। इस स्लाइड को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और बिल्कुल सीधी स्लाइड होने का एजाज हासिल है। आप में से कौन इतना बहादुर है जो इस स्लाइड को लेना चाहेगा? नंबर 7, जैपनीज वाटर स्लाइड। दोस्तों अब आप ये स्लाइड भी देखें, जिसे अंदर से मल्टी कलर बनाया गया है। इस स्लाइड में आप तकरीबन 700 फीट तक एक रंगीन टनल के अंदर तेजी से नीचे की तरफ आते हैं। ये स्लाइड जापान में मौजूद है, जो कि इंसान को एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपीरियंस करवाती है। इस स्लाइड के ज्यादातर हिस्सों को रंगीन इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान इस स्लाइड के अंदर खुद को अकेला महसूस ना करे और कमजोर दिल वाले लोग भी इस स्लाइड को इजीली ले सके। नंबर 8, दोस्तों सबसे आखिर पर आप इस वाटर स्लाइड को देखें, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची और बिल्कुल सीधी स्लाइड होने का एजाज हासिल है। ये स्लाइड तकरीबन 70 फीट ऊंची है और इसे लेने वाला इंसान तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ नीचे जमीन की तरफ गिरता है। वैसे ये स्लाइड इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसीलिए एडवेंचर के शौकीन लोग इस स्लाइड को इजीली ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दुनिया में मौज। इनमें से आपको कौन सी वाटर स्लाइड सबसे ज्यादा अच्छी लगी, और अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी वाटर स्लाइड लेना चाहेंगे, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।